देखिए आज बताना चाहते हैं आप लोग से जो आज गोवा में गोवा के आप लोग पार्क देखे होंगे उसका टू कॉपी गोवा का पार्क हम आपको दिखाने जा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यही है गोवा का पार्क। इसी गोवा पार्क में हम लोग गोवा का डुप्लीकेट पार्क है जो पार्क में 1 जनवरी को हम लोग पार्टी करेंगे इसका भी टू कॉपी है उसी पार्क में गोवा का 2 नंबर और 3 नंबर में हम लोग पार्टी करेंगे। जिस भाइयों को खाना होगा गोश्त चावल वो अपना कर हम लोग से संपर्क कर सकता है पश्चिम बांस में और उसी पार्क में हम लोग दिखाएंगे आप लोग को। एक आदमी को हम लोग बैठाएं 1000 रुपये चांदा जिसमें 6 आदमी हम लोग का टीम है 6 आदमी 1000 रुपये दे रहा है सिर्फ मटन और बिरयानी खाने के लिए। तो आप लोग से मेरा विनती है जो आप लोग को खाने का दिल करेगा तो आप लोग आ सकते हैं और खाने का खाना मिलेगा साफ भर पेट मैंने यानी इतना इतना चावल और चिकन 2 पीस सिर्फ 2 पीस मिलेगा उसी में आप लोग का आनंद लेना है बाकी हम लोग भर पेट खाएंगे। आज दूसरा आदमी आएगा खाने के लिए तो हम लोग उसका 2 पीस देंगे चिकन और बाकी हम लोग अच्छा हाफ पेट उसका खाना देंगे। ज़्यादा खा लेगा तो भाई वो बरियार हो जाएगा तो उस दिन मारपीट नहीं करेगा इसीलिए हम लोग कोमे देंगे जो मारपीट नहीं करेगा और शांति से रहेगा इसीलिए हम आप लोग से विनती कर रहे हैं। तो आप लोग जितना हो सके हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर आइएगा खाने के लिए और मज़ा लीजिएगा खाने का इंजॉय कीजिएगा बहुत मज़ा आएगा आप लोग आइएगा एकदम ज़रूर। हम लोग चलते हैं उधर दिखा रहे हैं और चीज़ जो आप लोग नज़र के सामने हो ये आप लोग देखे होंगे गोवा का पार्क वहीं है पार्क में ले चलते हैं गोवा का भाग 3 पार्ट में और वहाँ पर 3 पार्क है उसी पार्क में हम चल रहे हैं दिखाने के लिए। जब तक ले हमारा ब्लॉग आप लोग देखते होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी ना तो 1 तारीख को भोजन आप लोग को नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा ब्लॉग आप लोग देखते ही हैं ऐसे ही आता है मेरा ब्लॉग सबसे धांसू खतरनाक। अब एक मेरा चैनल है उस पर हम वीडियो डालेंगे सिर्फ रात का भूत हम आप लोग को दिखाएंगे उसका शूटिंग हम कोशिश कर रहे हैं शूट करने का मगर थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम है इसीलिए वहाँ का कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आदमी वहाँ पर डर पर नहीं जा रहा है डर है हम लोग का तो डर उर नहीं लगता है मगर वहाँ पर हम ले चलते हैं और दिखाएँगे हम आप लोग को। वो दूसरा चैनल होगा उस पर हम आप लोग को चैनल का भी नाम बताएंगे और उस पर सिर्फ आत्मा के बारे में बताएंगे और आत्मा कैसा है कैसा दिखाई देता है सब कुछ उस पर मिलेगा आप लोग का। सबसे पहले भाई जो भी काम करे रजनीगंधा खा के काम कर लोग कब सिटी हुई गांव में तो भाई जिसको रजनीगंधा खाना होगा तो वो अपना कोई भी काम कर रहा है तो रजनीगंधा खा कर काम करे करेगा तो देह में हेल्थ रहेगा ताकत रहेगा क्योंकि देख रहे हैं हम लोग रजनीगंधा खा कर इंजॉय करते हैं साफ लाइफ टाइम हर दिन में 20 अभी साफ जोड़ लीजिएगा तब हम लोग से बात कीजिएगा। देखिए यही है हमारे गांव का नज़ारा जो नहर है उसी नहर पर हम लोग आज दिखा रहे हैं गोवा का भाग 3 गोवा का 3रा स्थान है गोवा वहां पर हम लोग चल कर दिखाते हैं आप लोग को जो हमारे एरिया का नज़ारा। देखिए चारों तरफ कितना हरा भरा है पेड़ पौधा और यहां पर सब कुछ लोग आ रहे हैं अरजान हो रहा है आप लोग जब तक ले वीडियो को भी रोक रहे हैं। देखिए एक पौधा है यही नहर पर जो हम आप लोग को दिखा रहे हैं जो ये कवाच है आदमी को शरीर में लगा देने से आदमी का पूरा खुजला फॉर्म चालू हो जाता है और आदमी थक हगवाना चालू हो जाएगा चकता हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे ही हाथ में लगा रहा है भाई लगा कर दिखाओ हमारा कुछ नहीं होगा इस हाथ पर ऊपर लग सकती है हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए हमारे हाथ पर यहाँ पर लगा चुका है अभी नसरुद्दीन अंसारी अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने खुजलावट चालू है देखिए ये सब से 12 लगा रहा है सब हाथ में अभी यहाँ पर खुजलाना चालू हो चुका है अभी इसका गांड फरना स्टार्ट हो गया हाथ का साफ गनगन गनगन कर रहा है कवाच है जो आप लोग आ रहे हैं इस नहर पर तो देख कर आइएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए हमारे हाथ में लगाया तो हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है
मगर इस हाथ का अभी स्टार्ट है खुजलाना। ए बुरी देखने में रेशन लागल बड़ी है वैसे खुजला तो काट हो। हाँ देखिए इसमें रासा है लग चुका है, अभी खुजलापन चालू है और बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग जब लड़का थे तो हम लोग इसी से खेले हैं। आ इससे भी खतरनाक है वो जो उखुआ में होता है, आ उखुआ में होता है ललका कवा छुआ। जब किसी को बारात आ रहा था हम लोग बारात में ले जाकर ऐसा फुकारा मार देते थे तो गांड फाट जाता था बरतिया लोगों का। तो वैसा वैसा कांड हम लोग कर चुके हैं छोटे में थे, अब नहीं, अब तो हम लोग बड़ा आदमी हैं तो ऐसा काम नहीं करेंगे। दिनोसर दिन भाई रखबो तो रजनीकांत खाली इसका दर्द खत्म हो। देखिए भाई इसमें जो कवाच अभी नसरुद्दीन भाई लगाए थे जो इसमें पूरा खुजलापन हो रहा है, तो अब खुजलापन नहीं होगा क्योंकि इसको हम बांध दे रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा आदमी, आप जो भी आदमी आ रहे हैं रोड में नहर के किनारे, तो आप लोग देख कर कवास चलिए ना, तो जब लगेगा जहाँ पर जहाँ छन छनाना स्टार्ट हो जाएगा तो दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कैमरा ऊपर करो भाई। हाँ क्योंकि यहाँ पर जब होता है तो खुजलापन चालू होगा तो आदमी दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा नहर पर। तो ये सब बढ़िया, आप लोग जो भी आदमी आ रहे हैं भाई कैमरा सीधा करो ना हैंगे। हाँ देख रहे हैं कैमरा मैन थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं जो आप लोग जब भी आइएगा रोड पर या नहर पर चाहे जो भी काम करने, तो आप सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा ना, तो काम करत पीरियड में बकरी चरावत पीरियड में घास गरते समय लग जाएगा तो स्टार्ट करा देगा धरती पर दौड़ना। और उसके बाद एक चीज़ खा लेते हैं, तो हम आप लोग को वैसे ही वीडियो में बने रहिए, जब तक ले खा कर हम फिर बोलेंगे आप लोग से, ठीक है। मस्ती होगा, अब खा लू ना, अब पकन हो गया, खाकन हो गया, बना हो गया। हमारे गांव का मंग है आप लोग जो सोचते हैं क्योंकि देखिए जब आदमी कोई भी चीज़ तो खाता है ना, तो हम लोग बारह शौकीन पान भी खाते हैं। हम लोग विकास भैया के दुकान पर सोहर सीढ़ी से ला कर जिस आदमी को खाना है वहाँ पर पहुँच सकेगा, खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ही नाम रख कर खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से नहीं दीजिएगा पैसा, जब भेटा जाएगा तो उसके बाद मालूम चल जाएगा जो हम लोग कैसा खतरनाक आदमी है कि खराब आदमी है। देखिए यही हमारे गांव का आदमी अपनी साइकिल से जा रहा है, वीडियो देखकर उसमें कैमरा का अंदर छुपा लिया है पदर अपना मुंह। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर ली, लेकिन एगो नसरुद्दीन अंसारी के चैनल बा जो पहचान थो हम लोग उनका नाम हो बा देहाती बालक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, देहाती बालक शॉर्ट चैनल का नाम है। तो आप लोग उनका भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंशन करेंगे आप उस पर जाकर क्लिक करके उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मेंशन करेंगे, एकदम मेंशन करेंगे, घबराने वाला बात नहीं है। और देखिए इधर हम लोग जा रहे हैं अपने अपने खेत में, साफ उधर नज़ारा दिखाते हैं, सरसों कैसा फुलाया है और गेहूँ कैसा है, आलू का खेत कैसा है। भाई आज मस्त लागता नहीं कि ना हो, दाड़ी उड़ी सभी मुँह कल मनी साफ झकास लागत होके हमें सब कुछ वीडियो इंग्लिश में इंग्लिश सब कुछ बात होते रहला, भोजपुरी से लेकर हिंदी तक ले। जो अभी कवास लगाए थे उसके बारे में गनगनाहट बंद हो चुका है, थोड़ा थोड़ा फुर्सी हो चुका है, सबका प्रयास हम लोग करते हैं कि वीडियो हल्द्वानी का कोई आदमी देख रहा है हल्द्वानी का तो देख लीजिए, हमारे ही गांव का पूरा है। इसमें एक आप दिखाते हैं एक चीज़, देखिए यही पुल था जो एक बार हम बता रहे थे जो इसी गड्ढा में, इसी पुल के गड्ढा में ये साइड से गाड़ी आ रहा था रात में, उसमें सेमर का पूरा टेलर फुल था, वो पी कर उस पर सो गया था, बांध लिया था अपना शरीर और इसी में पलटी मार दिया।
इसमें पानी था जिसके कारण उसका मौत हो चुका था। अब पूरा इसमें का पटिया मछली उसका आँख पेट उट में खून खाँप पूरा खा लिया था। उसके बाद 5 दिन के बाद वो निकाल आया, उसी दिन निकल के चला गया पोस्टमार्टम में। अब 5 दिन के बाद मछरिया छान को और देहात में ले गया बेचने के लिए, लोग मार कर लिया खाने के लिए। इसी रोड है, देखिए हमारे ही गांव का नज़ारा है। अब पूरा इधर इन्हीं का चैनल हम मेंशन करेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखते हैं कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं इनका चैनल को, बढ़ाते हैं कि नहीं आगे। मेंशन करेंगे आप लोग जरूर देखिएगा। और देखिए गेहूँ इतना इतना हो चुका है अभी। अब गोवा पार्क में चलते हैं हम लोग, वहाँ पर 1 तारीख को पार्टी होगा, आप लोग आइएगा जरूर। आप लोग का हाफ पेट खाना मिलेगा, फुल मिलेगा तो आप लोग झगड़ा कर लीजिएगा, इसीलिए हाफ खिलाएंगे और 2 पीस देंगे चिकन का, 2 पीस। ज़्यादा खाइएगा तो फिर पेट में गर्मी होगा, इसीलिए 2 पीस मिलेगा। हम लोग खाएंगे ज़्यादा नहीं, 8-8-10 पीस एक आदमी। जिस आदमी को आना है वहाँ पर आकर पार्टी में रह सकता है, शामिल हो सकता है। एक आदमी को लगेगा कम से कम 500 रुपया। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोल दिए हैं। देहाती बालक शॉर्ट वाला आदमी दे रहे हैं 1000 रुपया। दिखाते हैं हम बैक। देखिए हमारे ही गांव का आदमी, एक नेताजी का खेत है जो उनमें सरसों अभी हो चुका है। और रोड पर चलते हैं, इधर दिखाते हैं पूरा आप लोग का। ये रोड बहुत मंजर रोड है, ये रोड को बना हुआ हो गया 45 साल, आज तक ले इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। देख रहे हैं यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए इसमें खेत में कितना सरसों है, सब पब्लिक खाने के लिए इसमें रोपा गया है, पब्लिक को खाने के लिए। अब साग का सीजन चल रहा है तो सागे से हम लोग खाना रवान देते हैं। और सरसों भी लोग बहुत चोरी कर रहा है, साग वाला आकर चोरी कर कर लेकर चल जाता है। देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा है, सरसों के खेत में इसमें सरसों बोया गया है। इधर मूस उस पूरा लग गया है अपने खेत में, चूहा बा। चूहा भगावे वाला मन तो बता दे। हम तो चूहे के पीटत तला के पीटनी तो 1 लाठी तो मुँहला गिर के आ लागल मुँह उचा के माया लागल फेन छोड़ देनी। देखिए नौसरुद्दीन जी क्या करने आए हैं इधर। इन्हीं का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंशन करेंगे हम। आ देखिए एक और चीज़ दिखा रहे हैं हम आप लोग का। देखिए हमारा छोटे अंकल जी हैं, वो मेरा आंटी हैं, जो आप लोग के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पाटा लोग काट कर ले जा रहे हैं घर पर। वो भी दूसरे आदमी के बांस में से चोरी को कर ले जा रहे हैं, देख रहे हैं। यही हम लोग का खेत पूरा इधर, वहाँ से जहाँ से जा रहे हैं उस आर पर से लेकर इधर पूरा खेत है हम लोग का, इसमें दूसरा आदमी कोई एंट्री नहीं है, देख रहे हैं। और सब वहाँ तक ले बांस उस ले चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग का।
कैमरा पकड़ो भाई। कैमरा टी शर्ट हैंग करो ना। देखिए इधर कोई भी आदमी का खेत नहीं है, इधर हम ही लोग का है, चार पट्टी का खेत है और इधर चारों तरफ सरसों है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साग खाने के लिए, और साग का मौसम चल रहा है तो हम लोग सागे से अभी भोजन करते हैं डेली सुबह और शाम। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा खेत में आगे स्वामी का ये खेत में आपका दूसरा खेत में जानी पूरा देखो सरसों बा पूरा दिखाओ भाई चारों दिखाइए आप लोग। अब देखिए इसमें चारों तरफ सरसों कितना हुआ है साग के लिए सिर्फ, और हम लोग साग के सीजन में साग खाते हैं। जब तक ले सरसों का झार पौधा नहीं सूखे तब तक ले हम लोग उनका बच्चा बच्चा में से खाते हैं। और ले चलते हैं बाँस में आप लोग घूम रही है आप लोग को। पहले हम बताते थे हमारा आधा इंतकाल हो गए थे एक महीना पहले, जिनका मालिक यहीं पर पड़ा हुआ है जो इसी कब्रगाह में हम लोग का पास जो अपना है सब कब्रगाह है, इसी का अंदर में मिट्टी पड़ा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा आबा का माटी है। आप लोग देखे नहीं थे वीडियो हम नहीं बनाए थे जिस समय इंतकाल हुए थे उस दिन सब लोग का दिमाग अलग था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से ये हमारा आधा जान का देखिए मिट्टी यही है और पूरा कवर का है दिखाइए भाई चाल का जिसमें बांस होता है और इधर दोबारा हुआ रखा हुआ है। अब जो आदमी तो हम लोग बांस कृषि में से कटिंग करते हैं, जितना बांस है सब में से कटिंग पता कर उसमें हम लोग यूज करते हैं। ये पूरा कब्रगाह है देखिए बहुत सारी यहाँ पर एक बीघा के लगभग में कब्रगाह है, आप लोग देख सकते हैं एक बीघा पूरा है कब्रगाह। इसमें जो भी आदमी इंतकाल होगा इसी में मिट्टी पड़ेगा और मिट्टी के साथ दुनिया से ऐसा आराम तौर पर जाएगा ऊपर। यहाँ पर एक चीज दिखाने जा रहे हैं आप लोग देखिए वीडियो गौर से, यहाँ पर कब्रगाह में कोई आदमी आकर अमल किया है जो अभी ने यहाँ पर देखिए एक मुराठा बांध कर यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर रखी हुआ है जो टिपरी बोलता है गोरा उसी पर मंत्र उन्तर जगाया है कब्रगाह में आप लोग देख सकते हैं। और चारों तरफ देखिए कब्रगाह इसी के अंदर में और कौन आदमी है तो मालूम नहीं, अभी ना तो मालूम चला है। हम देखते तो बहुत मार मारते हैं, हम छोड़ने वाले में तो इंसान नहीं है। स्टॉप कर दी और स्टॉप कर। देखिए भाई अब आ चुके हैं गोवा का नज़ारा, जो आप लोग बोले थे वीडियो में सबसे पहले स्टेप चार्ज मेरा गोवा का भाग थ्री में जा रहे हैं। तो देखिए भाग थ्री यहीं है, यहीं पर प्रोग्राम रखा हुआ है 1 जनवरी को जो हम लोग भोजन बनाएंगे यहीं पर बनाएंगे और 1 तारीख को इंजॉय होगा चिकन और नहीं 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 कोसी के गोश आएगा जिसको खाना होगा लेग पीस आएगा, 1 पीस मिलेगा लेग पीस में। अब उसके बाद जो चिकन खाएगा उसके 2 पीस झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा मारपीट, और उसके बाद हम लोग खाएंगे भर पेट जिसको जिसको खाना है आप लगाइएगा यही है गोवा का नज़ारा देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक ले। वीडियो भाई स्टॉप करते हैं, जब तक ले खुदा हाफिज़।